छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद रायपुर में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक हुई और इसमें नव निर्वाचित सांसदों का स्वागत किया गया और पार्टी और प्रत्याशियों के वादों को पूरा करने के निर्देश के साथ ही आगामी कार्य योजना पर भी खास चर्चा की गई। रायपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाओं की ये तस्वीर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद ये पहली बैठक हुई जब सभी नेता एक साथ जुटे। सीएम से लेकर के संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी एक साथ बैठक में पहुंचे। बैठक में सबसे पहले सबको बधाई और नए सांसदों का स्वागत किया गया। सांसदों की पहली बैठक में ही संगठन की तरफ से आगामी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी के आला नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने 10 सांसदों की अपने अपने क्षेत्र में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हमारे वर्तमान में जो सांसद जीत कर आए हैं, पूर्व सांसद सहित सभी हमारे पदाधिकारियों की आज प्रबंधन समिति के जो संयोजक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी सहित सभी की बैठक आज सम्पन्न हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी की योजनाओं पर, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन पर देते हुए फिर इस बार लोकसभा में इतने 10 सीटों पर विजय श्री दिलाने के लिए सभी का अभिनंदन और आभार किया गया। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र के काम और समस्याओं को संसद में उठाकर उनका निराकरण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए, उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था। और हमारे जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनका भी पहली बार रायपुर और प्रदेश कार्यालय आना हुआ था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद पार्टी खासी उत्साहित है, सांसद भी गदगद हैं और बैठक के बाद आगामी कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। लेकिन बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी सांसदों की आगामी कार्य योजना पर कांग्रेस का कहना है कि ना तो पुराने सांसद कुछ कर पाए थे और ना ही नए सांसद कुछ कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार 9 सांसद थे, किसी भी सांसद ने छत्तीसगढ़ के हक की आवाज नहीं उठाई थी। आवाज सांसदों की बैठक में, नए जीते हुए प्रत्याशियों की बैठक में भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कमिटमेंट को जल्दी पूरा करने की बात कर रही है। हास्यास्पद है, पिछले सांसद निवर्तमान हो गए, भूतपूर्व हो गए, रिटायर्ड हो गए, वे अपने एक भी कमिटमेंट को पूरा नहीं किए, तो इन लोगों नए लोगों से क्या अपेक्षा की जाए। लोकसभा चुनाव के बाद अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से बीजेपी का योगदान अच्छा रहा। ऐसे में अब आगामी कार्य योजना भी तैयार हो गई है, लेकिन देखने लायक बात ये होगी कि कार्य योजना का कितना लाभ अब जनता को मिल पाता है और बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।